तो मेरे भाइयों, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, जो कि इस साल अक्टूबर से शुरू होने वाला है। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप के पूरे इतिहास में किन किन बल्लेबाजों ने अपने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाई है, आज की इस वीडियो में उन सभी बल्लेबाजों की बात करेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में आप सबके लिए लाया हूं वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मजेदार सवाल, जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह ईमानदारी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आपके इस कीमती समय को बर्बाद न करते हुए जल्दी से पता लगा लेते हैं कि वर्ल्ड कप के इतिहास में अपने अपने देशों के लिए सबसे ज्यादा रन किन किन बल्लेबाजों ने बनाई। तो चलिए भाइयों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड कप के अंदर पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे ग्राहम गूच सन ने वर्ल्ड कप के अंदर कुल 21 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 44.85 की एवरेज से कुल 897 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 8 अर्धशतक और 1 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर 115 रन का है। और साथ ही भाइयों, ग्राहम गूच सर डोमेस्टिक क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज है। साथ ही वनडे और टेस्ट में 100 मैचेस खेलने वाले इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और अब की बार बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है स्टीफन फ्लेमिंग सर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 33 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35.83 की एवरेज से कुल 1075 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 5 अर्धशतक और 2 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर नाबाद 134 रन का है। और साथ ही भाई, स्टीफन फ्लेमिंग सर न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तान और सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। साथ ही वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड की तरफ से 1000 रन बनाने वाले मात्र इकलौते बल्लेबाज भी। तो चलिए भाई, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और अब की बार बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है एंडी फ्लावर सर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 30 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32.60 की एवरेज से कुल 815 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 4 अर्धशतक और 1 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर नाबाद 115 रन का। और साथ ही भाइयों, एंडी फ्लावर सर का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन क्रिकेट खेले है जिम्बाब्वे के लिए। और खेले ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर वन बल्लेबाज भी बने। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ जिम्बाब्वे के बाद अब बढ़ते हैं हम अपने अगले देश की तरफ और अब की बार बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं शाकिब अल हसन सर ने वर्ल्ड कप के अंदर अब तक कुल 29 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45.84 की एवरेज से कुल 1146 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 10 अर्धशतक और 2 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर नाबाद 124 रन का है। और साथ ही भाई, जैसा कि आप सभी जानते हो कि शाकिब अल हसन सर का नाम दुनिया के टॉप ऑलराउंडर में आता है, साथ ही बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी। और विकेटों के मामले में शाकिब अल हसन सर का नाम बांग्लादेश की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर वन पर आता। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और अब की बार बात कर लेते हैं अपने एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं जावेद मियादास सर ने वर्ल्ड कप के अंदर कुल 33 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 43.32 की एवरेज से कुल 1083 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 8 अर्धशतक और 1 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर 103 रन का है। और साथ ही भाई, जावेद मियादास सर की गिनती पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में आज तक के सबसे महानतम बल्लेबाजों में की जाती है। साथ ही वर्ल्ड कप जैसे एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर जावेद मियादास सर पाकिस्तान की तरफ से 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले एक लौते बल्लेबाज। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और अब की बार बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप को पहली बार जीतने वाली वेस्ट इंडीज की। तो वेस्ट इंडीज के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं ब्रेन लारा सर ने वर्ल्ड कप के अंदर कुल 34 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 42.24 की एवरेज से कुल 1225 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 7 अर्धशतक और 2 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर 116 रन का है। और साथ ही भाई, अपने जमाने के सबसे खूंखार लेफ्टी बल्लेबाजों में से एक ब्रेन लारा सर ने वेस्ट इंडीज की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन तो बनाए, लेकिन ये वर्ल्ड कप के
इतिहास में ओवरऑल भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज। तो चलिए भाइयों इसी के साथ बढ़ते अपने अगले देश की तरफ और वेस्ट इंडीज के बाद अब बात कर लेते हैं हम साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं एबी डिविलियर्स। ने वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 23 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 63.52 की एवरेज से कुल 1,207 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 6 अर्धशतक और 4 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर नाबाद 162 रन का। और साथ ही भाई एबी डिविलियर्स सर वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों के साथ साथ साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी है। साथ ही वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 150 रन का स्कोर भी एबी डिविलियर्स सर के ही नाम। तो चलिए भाई इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम अपने अगले देश की तरफ और अब की बार बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप के खिताब को अपने नाम करने वाली ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रिकी पोंटिंग। ने वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 46 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 45.86 की एवरेज से कुल 1,743 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 6 अर्धशतक और 5 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर नाबाद 140 रन का। और साथ ही भाई रिकी पोंटिंग सर क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी। एक वर्ल्ड कप इन्होंने बतौर खिलाड़ी जीता है तो 2 वर्ल्ड कप इन्होंने बतौर कप्तान अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम को जिताई भी। तो चलिए भाई इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और अब की बार बात कर लेते हैं अपने एक और पड़ोसी देशों में से एक श्रीलंका की। तो श्रीलंका के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं कुमार संगकारा। सर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 37 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 56.74 की एवरेज से कुल 1,532 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 7 अर्धशतक और 5 शतक भी हैं। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर 124 रन का। और साथ ही भाई श्रीलंका के एक लेजेंडरी बल्लेबाज कुमार संगकारा सर वर्ल्ड कप के इतिहास में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले मात्र एक लौते बल्लेबाज। उन्होंने हैट्रिक नहीं बल्कि 4 लगातार शतक लगाए थे वर्ल्ड कप के अंदर। ओडीआई क्रिकेट के अंदर कुमार संगकारा सर 4 लगातार शतक लगाने वाले दुनिया के आज तक के एक लौते बल्लेबाज। तो चलिए भाइयों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी देश की तरफ और अब बात कर लेते हैं अपनी टीम इंडिया की। तो भारत के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर। सर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 45 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 56.95 की एवरेज से कुल 2,278 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 15 अर्धशतक और 6 शतक भी है। साथ ही इनका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट स्कोर 152 रन का। और साथ ही भाई क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों के साथ साथ सबसे ज्यादा अर्धशतक, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा चौके लगाने भी नंबर 1 बल्लेबाज है। साथ ही क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर सर के ही नाम, जिन्होंने 1992 से लेकर 2011 तक कुल 6 वर्ल्ड कप खेले। तो चलिए भाइयों इसी के साथ ये बात तो हो गई वर्ल्ड कप के इतिहास में अपने अपने देशों के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सभी बल्लेबाजों। इसी के साथ भाई वादे के मुताबिक अब बारी आज के अपने क्रिकेट घातक के सवाल की। तो आज का अपना सवाल ये है कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक हमें किस टीम की तरफ से देखने को मिले हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बस इतना सा बताएं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप में से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। और जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ईमानदारी से जरूर बताएं। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो दरअसल भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना।